जय श्री कृष्णा। जय गुरुदेव। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। और हम बात कर रहे थे बौद्ध धर्म की, और बौद्ध धर्म के अंदर भगवान बुद्ध के सामान्य जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था, चार घटनाओं के बारे में पढ़ा था। और अंतिम समय में हमने देखा कि भगवान बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया था, और इसी गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म के अंदर एक नाम दिया गया है, महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म के अंदर महाभिनिष्क्रमण की घटना भगवान बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है। और इसके बाद में हमने आगे बात की थी कि भगवान बुद्ध जो थे गृह त्याग के बाद में आपके एक नदी थी, और इस नदी के नाम था अनोमा नदी। इस अनोमा नदी के पास में भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के अंदर जो आपके तपस्वी का जीवन शुरू किया था, मतलब एक प्रकार के तपस्वी के वस्त्र धारण किए, और तपस्वी का जीवन की शुरुआत भगवान बुद्ध ने अनोमा नदी के किनारे शुरू की थी। और भगवान बुद्ध अनोमा नदी के किनारे तपस्या करने के बाद में 7 वर्ष तक वो इधर उधर ज्ञान की खोज में भटकते रहे, और अंत में उनको एक गुरु मिला था जिसका नाम था आपके एक तो थे उद्रक रामपुत, और दूसरे थे इनके अलार कला। भगवान बुद्ध को एक सांख्य दर्शन के गुरु थे अलार कला। अलार कलाम ने भगवान बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी, सांख्य दर्शन की शिक्षा। लेकिन भगवान बुद्ध का इस शिक्षा से वो संतुष्ट नहीं हुए, और उसके बाद में राजगृह गए, और राजगृह के अंदर उनको एक और गुरु मिले थे जिनका नाम था उद्रक रामपुत। और उद्रक रामपुत से शिक्षा लेने के बाद में भगवान बुद्ध जो है आपके पांच कौंडिन्य ब्राह्मणों के साथ में तपस्या करना प्रारंभ कर दी। देखिए, भगवान बुद्ध गृह त्याग के बाद में अनोमा नदी के पास में तपस्वी जीवन शुरू करते हैं, फिर अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं, फिर उद्रक रामपुत से ज्योतिष की शिक्षा लेते हैं, और उसके बाद में भगवान बुद्ध 5 कौंडिन्य ब्राह्मणों के साथ में तपस्वी जीवन प्रारंभ करते हैं। इसके बाद में भगवान बुद्ध इस प्रकार की तपस्या से संतुष्ट नहीं होते हैं, और वो काफी दिनों तक भूखे रहने के बाद में अंत में भोजन ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं। भोजन ग्रहण करते हैं तब 5 ब्राह्मण जो है इनको छोड़ करके चले जाते हैं कि तुमने अपना दृढ़ संकल्प तोड़ दिया। उसके बाद में भगवान बुद्ध भोजन ग्रहण करने के बाद में 35 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने एक नदी थी बोध गया में, कहां पर? गया बिहार के अंदर भगवान बुद्ध ने आपके 35 वर्ष की अवस्था में एक जो नदी थी, नदी का नाम था निरंजना नदी। कौन सी नदी? निरंजना, या इसको पुनपुन नदी भी कहते हैं, पुनपुन नदी। भगवान बुद्ध ने 35 वर्ष की अवस्था में गया के अंदर निरंजना नदी या पुनपुन नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। याद रखना, पीपल वृक्ष था। पीपल के पेड़ के नीचे उन 50 दिन तक तपस्या कर दी, उन 50 दिन तक तपस्या की, और उसके बाद में वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द हिस्ट्री कि भगवान बुद्ध को जो है गया के बिहार के अंदर निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे 50 दिन की तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसके बाद में भगवान बुद्ध को जो है आपके गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध के नाम से जाने लगा। इसके बाद में भगवान बुद्ध जो है आपके शिक्षा ग्रहण करने के बाद में सबसे पहले आते हैं सारनाथ। कहाँ पर आते हैं? सारनाथ।
और सारनाथ आकर के भगवान बुद्ध ने इन्हीं पांच जो पहले कौंडिन्य ब्राह्मण थे, इन्हीं पांच कौंडिन्य ब्राह्मणों को भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था। उसके बाद में भगवान बुद्ध ने वो शूद्र जाति के जो बंजारे थे, इन वो शूद्र जाति के बंजारों को भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे, जिनका नाम था तपस्सु और दूसरे का नाम था बल्ली। भगवान बुद्ध ने दो शूद्रों को अपने उपदेश दिए थे, जिनका नाम था तपस्सु और बल्ली। इसके बाद में भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा जो उपदेश दिया था, कौसल राज्य की जो राजधानी थी जिसका नाम था श्रावस्ती, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? श्रावस्ती में। श्रावस्ती नगर के अंदर भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा अपने उपदेश दिए थे। और भगवान बुद्ध के दो प्रमुख जो शिष्य थे, जिनमें पहला व्यक्ति जो था जिसका नाम था आनंद, और दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था उपाली। तो याद रखिएगा, भगवान बुद्ध का सबसे प्रिय जो शिष्य था जिसका नाम था आनंद, और भगवान बुद्ध का जो प्रधान शिष्य था जिसका नाम था उपाली। याद रखिए, दोनों को याद रखना है। प्रधान जो शिष्य था जिसका नाम था उपाली, और भगवान बुद्ध का जो प्रिय शिष्य था, सबसे निकट जो था, जिसका नाम था आनंद। और इसके बाद में भगवान बुद्ध ने अपने जगह जगह पर अपने उपदेश दिए, और सारनाथ में भगवान बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। यह भी इंपॉर्टेंट है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। और भगवान बुद्ध ने बौद्ध परिसंघ की स्थापना कहां पर की थी? बौद्ध परिसंघ की स्थापना भी भगवान बुद्ध ने सारनाथ में की थी। इसके बाद में भगवान बुद्ध जो है, आपके अपना जीवन का जो अंतिम पड़ाव था वो था कुशीनारा नगर। कौन सा नगर? कुशीनारा। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कुशीनारा जो आपकी हिरण्यवती नदी के किनारे स्थित नगर है, हिरण्यवती नदी के किनारे स्थित नगर कुशीनारा के अंदर 483 ईसा पूर्व के अंदर भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, और इसी मृत्यु को हम जो है महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। महापरिनिर्वाण, भगवान बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण की घटना के नाम से जानते हैं। अब देखिए, भगवान ने बुद्ध ने गृह त्याग किया था, इस घटना को वो धर्म के अंदर महापरिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस ज्ञान के प्राप्ति की घटना को जो है आपके बौद्ध धर्म के अंदर आपके गौतम बुद्ध के नाम से इस घटना को जाना जाता है। इसके बाद में भगवान बुद्ध ने जो सारनाथ में आपके पहला उपदेश दिया था, इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन की घटना कौन सी है? भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुई थी, सबसे पहले भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया था, इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और भगवान बुद्ध की कुशीनारा के अंदर 483 ईस्वी के अंदर मृत्यु हुई थी, इस घटना को बौद्ध धर्म के अंदर महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं, बाकी का हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आप सभी का जीवन सुखी और मंगलमय हो, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। धन्यवाद।